हेलो, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बीएससी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट थर्ड लेक्चर वन लेकर आए हैं हम। आपकी यूनिट थर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये लेक्चर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। आपकी यह यूनिट थर्ड, टोटल 5 यूनिट है। पांचवी यूनिट में से तीसरी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ईयर जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें से एक या दो को छोड़कर ज़्यादातर आपकी क्या है, थ्योरेटिकल है और इजी है, जल्दी निपट जाएंगी। तो हमने सबसे पहले सबसे ईजी यूनिट को उठाया है कार्बोहाइड्रेट, जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी ने 12th में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नहीं भी पढ़ा हो या याद नहीं है तो अब याद आ जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो और हाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स। हालांकि ये नाम कहना इनके लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी इनको इसी नाम से जाना जाता है, कार्बन के हाइड्रेट्स। यानी कि इनको मैं ऐसे प्रदर्शित कर सकती हूँ, कार्बन होंगे एक्स और H2O होंगे वाई, यानी कि ये क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, क्या क्या मौजूद होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। तो हम इसकी जब डिफाइन करेंगे या डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किससे होता है? तो हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग द्वारा होता है। यानी कि ये क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। ठीक है, या लिखते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दें या एग्जाम्पल से पहले भी इनके बारे में थोड़ा और जान लें। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग द्वारा बनते हैं, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? लिख लिया आप सभी ने, इसमें लिख लिया होगा। तो यहाँ देखें ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कैसे, नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। हालांकि इनको लैब में भी सिंथेसिस किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, ये सामान्यतः पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। या पेड़ पौधे कहने की वजह ऐसे लिखते हैं, ये सामान्यतः प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स पॉली पॉली हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड तथा पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन द्वारा निर्मित होते हैं। क्या काम है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन द्वारा निर्मित होते हैं, या फिर जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो यही हमें प्राप्त होते हैं। या तो इनका निर्माण होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से, या फिर जो हमें कार्बोहाइड्रेट दिया गया है उसका हम जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही वापस मिल जाएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं उनके जल अपघटन से। तो हम लिख सकते हैं निर्मित होते हैं अथवा जल अपघटन द्वारा इनका निर्माण करते हूं। किनका? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हूं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हों जल अपघटन पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, सभी जानते हैं हम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ईटीसी, ये सभी क्या हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सभी क्या हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर इनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए, कार्बन को छोड़ दें, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए तो इनमें वही अनुपात पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कि जल में पाया जाता है। जल में क्या होता है? H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्या अनुपात होता है? 2:1 का अनुपात पाया जाता है। और ज़्यादातर देखने को मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही रहता है जो कि जल में रहता है, यानी कि 2:1 में उपस्थित रहते हैं। हालांकि कुछ सैकेराइड्स हैं या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 2:1 के अनुपात में नहीं पाए जाते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन मोस्टली देखा है, जनरली, मैंने ये नहीं कहा सब में पाए जाते, मैंने कहा जनरली देखा गया है कि वही अनुपात पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कि जल में होता है। सब जगह नहीं होता, कुछ हैं ऐसे जहाँ पर यह अनुपात फॉलो नहीं होता। हम देखेंगे आगे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो क्या हम ये, तो हम कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन देख चुके हैं, डेफिनेशन क्या हमको डिफाइन कर चुके हैं कि क्या होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग द्वारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण, इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। प्रकृति में पाए जाते हैं, ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, सामान्यतः प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों में, हमारी बॉडी के अंदर, इस सभी जगहों पर क्या पाए जाते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं इनका वर्गीकरण के कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वर्गीकरण देखते हैं अब हम इनका। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कि कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे हम, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल पार्ट में आगे हम रिएक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज है उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो सभी देखेंगे। लेकिन ये वाला पहला पार्ट जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। वर्गीकरण देखें हम, क्लासिफिकेशन देखें, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो वर्गीकरण है तीन प्रकार से कर सकते हैं हम। पहला जो वर्गीकरण है वो है भौतिक गुणों के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। जैसे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि इनका स्वाद, किसके आधार पर लेते हैं? स्वाद के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी। स्वाद ले लें, इनका रंग ले लें या इनकी घुलनशीलता ले लें, उसके आधार पर
तो हम ज़्यादातर उनको किसके आधार पर, ज़्यादातर नॉर्मली हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो स्वाद के आधार पर करते हैं, इसके अलावा उनके रंग के आधार पर, उनकी क्या कहते हैं जल में विलेयता के आधार पर, ये सभी क्या है भौतिक गुण हैं, उनके आधार पर विभाजित करते हैं। एक होते हैं जल अपघटन के आधार पर, एक होते हैं हमारे जल अपघटन के आधार पर, इनका जल अपघटन किस प्रकार से होता है तो उसके आधार पर डिवाइड किया गया है। तीसरा है अपचयन के आधार पर। तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, भौतिक गुणों के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर जैसे स्वाद, रंग, विलेयता, इनके आधार पर विभाजित करते हैं, जल अपघटन के आधार पर और अपचयन के आधार पर। अब देखते हैं अगर हम भौतिक गुणों के आधार पर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं शर्करा, सुगर्स, और एक होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम अशर्करा, नॉन सुगर्स, शुगर, शुगर देख के वो वाली शुगर नहीं, चीनी वाली शुगर नहीं, लेकिन स्वाद हम वैसे ही मान सकते हैं चीनी की तरह, चीनी क्या होती है मीठी, तो यानी कि ये जो शुगर्स होंगे शर्करा होंगे ये कैसे होते हैं मीठे होते हैं स्वाद में, जबकि ये नॉन शुगर्स हैं, चीनी तो मीठी होती है तो फिर ये नॉन शुगर है इसका मतलब ये क्या होंगे मीठे नहीं होंगे, तो हम ऐसे देख सकते हैं, लेकिन ये चीनी नहीं है। ओके, यहाँ आप चीनी भी कह सकते हैं, चीनी भी क्या है कार्बोहाइड्रेट ही तो है, देखेंगे आगे हम चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है, ठीक है गन्ने से ही तो बनती है भाई, तो वो भी तो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो कह सकते हैं शर्करा शुगर जो मीठे होते हैं, अशर्करा जो मीठे नहीं होते। जल अपघटन के आधार पर देखें तो एक होते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, दूसरे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड अपचयन के आधार पर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अपचायक और एक होते हैं अनपचायक, देखेंगे हम आगे अपचायक और अनपचायक क्या होते हैं, अनपचायक कार्बोहाइड्रेट और अपचायक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लिया, अब हम देखते हैं धीरे एक एक करके शुगर क्या होती हैं, अशर्करा क्या होती हैं, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगो पॉलीसैकेराइड ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले क्लासिफिकेशन शुगर का, ये सबसे ईजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, जो कि किसके आधार पर था, भौतिक गुणों के आधार पर, कितने प्रकार की थी, दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, दो प्रकार में, सबसे पहले होते हैं शर्करा सुगर्स, तो इनकी डेफिनेशन लेके शुगर को डिफाइन करें तो ये क्या होती हैं, ये स्वाद में मीठे, रंगहीन व जल में विलेय होते हैं, ये स्वाद में रंगहीन, मीठे व जल में क्या होते हैं विलेय होते हैं, इसके अलावा ये कैसे होते हैं क्रिस्टलीय, रंगहीन, जल में विलय होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कैसे होते हैं क्रिस्टलीय होते हैं,
ग्लूकोज देखा है ना आप लोगों ने, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज तो देखा ही होगा ना कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है ना, पाउडर फॉर्म में मिलता है भले ही आपको, लेकिन छोटे 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 क्रिस्टल होते हैं ना उसमें। तो एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल है ग्लूकोज फ्रक्टोज ईटीसी। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है ना, और कैसा होता है, सफ़ेद होता है, रंगहीन, रंगहीन से मतलब है कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जल में विलय होते हैं, ग्लूकोज जल में विलय होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरे क्या थे हमारे पास, अशर्करा, नॉन शुगर्स, ये क्या होते हैं, ये इनके अपोजिट होते हैं, यानी कि ये स्वाद में मीठे नहीं होते। ये भी क्रिस्टलीय होते हैं, जैसे ये क्रिस्टलीय हैं, ये भी क्रिस्टलीय हैं, और जल में क्या होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, क्या एग्जांपल हमारे पास, जैसे है स्टार्च, सेल्युलोज, स्टार्च सेल्युलोज, स्टार्च और सेल्युलोज कहाँ मिलता है, पेड़ पौधों में मिलता है ना, स्टार्च सेल्युलोज, जो भोजन हम करते हैं उसमें स्टार्च होता है, जो हरी पत्तियाँ होती हैं, आपने देखा है ना कि हम हरी पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तेदार सब्जी होती है, उनको हम क्या पका कर खाते हैं, किसकी वजह से, सेल्युलोज की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्युलोज का पाचन नहीं हो सकता, जबकि जो एनिमल्स होते हैं जैसे गाय भैंस, वो कच्ची पत्तियाँ चबाकर खाती हैं, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है कि वो सेलुलोज का पाचन कर सकती हैं, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम सेलुलोज का पाचन कर सकें, तो उनको हम क्या करते हैं, कच्चा ना खाकर उबाल कर खाते हैं, तो उनमें सेलुलोज होता है, और ये कैसा होता है, क्रिस्टली होता है, जल में अविलय होता है, और स्वाद में मीठे नहीं होते, ठीक है। तो ये भौतिक गुणों के आधार पर हमने दो प्रकार में विभाजित किया। अब दूसरा टाइप हमने क्या देखा था, दूसरा टाइप हमने देखा था जल अपघटन के आधार पर, निम्न प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार लिखाए थे ना, तीन लिख लो या निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मोनोसैकेराइड, क्या है मोनो सैकेराइड, नाम से पता चल रहा होगा, जैसे मोनो का मतलब सिंगल, एक, यानी कि अगर हम इनका जल अपघटन करेंगे तो इनका जल अपघटन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ही यूनिट से बनते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड जो होंगे वो किससे बनते हैं, मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से बनते हैं, तो जब उनका जल अपघटन होता है तो मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं वापस, लेकिन जो खुद मोनोसैकेराइड हैं उनका जल अपघटन नहीं हो सकता, उनका जल अपघटन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, तो हम इनकी डेफिनेशन लिखें, ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, और इनको देखा जाए तो ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे सिंपल मतलब यही यूनिट का काम करते हैं, और जितने ओलिगो पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो किससे बनते हैं, मोनोसैकेराइड से, तो ये क्या होंगे, खुद सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी डिवाइडेड हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक होते हैं एल्डोज, एक तो होते हैं एल्डोज मोनोसैकेराइड्स, और दूसरे होते हैं कीटोज, एल्डोज यानी कि जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डोज वो होते हैं जिनमें क्या हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्डोज जिनमें
एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोज जिनमें कीटोनिक ग्रुप हो. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर से मिटा देती हूँ मैं, दो तरह के होते हैं, एक एल्डोज और एक कीटोज. जैसे एग्जांपल लें, ग्लूकोज का लें, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है हमारा, एल्डोज शुगर है. कैसी शुगर है, एल्डोज. ग्लूकोज क्या है हमारी, एल्डोज शुगर है. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO CHOH का होल 4 CH2OH. कौन सा ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, कीटोन ग्रुप आ रहा है, कौन, सॉरी कीटोन नहीं, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा है. इसीलिए ये कैसे शुगर होती है, कैसी शर्कराएं हैं, एल्डोज शर्कराएं. कैसी है, एल्डोज शर्करा. और एक होती है हमारी कीटोज, जिनमें क्या आता हो, कीटोनिक ग्रुप आता हो. जैसे एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज है. एग्जांपल में क्या है, फ्रक्टोज. इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH C11O CHOH का होल थ्राइस CH2OH. यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह आ रहा है, कीटोन समूह आ रहा है. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कीटोज शर्करा. क्या कहा जाता है, कीटोज शर्करा. ये एल्डोज शर्करा है क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो कीटोज शर्करा है क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है. तो अभी बोला मोनोसैकेराइड कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जिनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक वो होते हैं जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है. ठीक है, तो ये थे हमारे मोनोसैकेराइड्स. आगे हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शंस हम आगे बहुत देखेंगे, यही पढ़ना है हमको कार्बोहाइड्रेट्स में. अब देखते हैं अगले. अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसीलिए इसको एल्डो एक और नाम से भी बोलते हैं, एल्डो. एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए एल्डो. कितने कार्बन है, 1 2 4, दो कार्बन ये और चार ये, 6. तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सोज. एल्डो हेक्सोज शुगर शर्करा. कौन सी शर्करा कहा जाता है इनको, एल्डो हेक्सोज शर्करा कहा जाता है. ऐसे ही इनको क्या कहा जाता है, इनमें कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है. तो और कितने कार्बन है, 6. तो इनको कहा जाता है कीटो हेक्सोज या कीटो हेक्सो शुगर. इनको एल्डो हेक्सो शुगर कहा जाता है, उनको कीटो हेक्सोज शुगर कहा जाता है. ठीक है, अगला देखते हैं हम. अगले हमारे दूसरा क्या था हमारा, ओलिगो सैकेराइड. ओलिगो सैकेराइड्स, तो ओलिगो सैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगो सैकेराइड्स वो होते हैं जिनका जलअपघटन हो जाता है और इनके जलअपघटन से हमको क्या मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स. यानी कि ओलिगो सैकेराइड्स का निर्माण किससे होता है, मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनका जल अपघटन हो जाता है तथा जल अपघटन पर क्या प्राप्त होता है, तथा जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं. यानी कि इनका निर्माण किससे होता है, मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से होता है. इनका जल अपघटन करते हैं तो मोनोसैकेराइड की यूनिट अलग हो जाती हैं, यानी मोनोसैकेराइड हमें अलग से प्राप्त हो जाते हैं. यानी कि ये क्या होंगे, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल में क्या बनेगा और कैसे बनेंगे. ठीक है, तो इनका जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन पर क्या प्राप्त होते हैं, मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं. ठीक है, तो अगर इनका संक्रमण मोनोसैकेराइड्स होता है तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं. अगर दो मोनोसैकेराइड जुड़ रहे होंगे तो डाइसैकेराइड, यानी जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड प्राप्त हो रहे हैं तो डाइसैकेराइड्स होते हैं. अगर तीन प्राप्त हो रहे हैं तो ट्राई, चार होते हैं तो टेक्ट्रा. तो हम लिख सकते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं.
किस पर डिपेंड करता है ये? मोनोसैकेराइड्स की संख्या पर निर्भर करता है, हमें कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त हो रहे हैं जल अपघटन पर। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लें, अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है डाई सैकेराइड, डाई का मतलब दो, यानी कि इनका जल अपघटन होगा तो हमको कितने मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे? दो। तो यहाँ लिखेंगे डाई सैकेराइड, जिनके जल अपघटन पर क्या होता है, जल अपघटन पर दो मोनो सैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, जिनके जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं। दूसरा लिखें जैसे ट्राई सैकेराइड, जैसे इसका एग्जांपल लिखें तो जैसे C12H22O11, इसका जल अपघटन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2C6H12O6। ग्लूको C6H12O6 के कितने मॉलिक्यूल मिले? दो मॉलिक्यूल मिले। इसका मतलब ये क्या है, एक डाई सैकेराइड है। क्या है? एक डाई सैकेराइड है। ऐसे होते हैं ट्राई सैकेराइड, यानी कि ट्राई का मतलब तीन। तो जल अपघटन पर क्या मिलेगा, जल अपघटन पर तीन मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। कितने मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं? तीन मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं हम रेफिनोज। इसकी शुगर का नाम क्या है? रेफिनोज, जो कि है C18H32O16। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C18H32O16। इसका जल अपघटन करेंगे तो हमको तीन मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होंगे, इसलिए ट्राईसैकेराइड्स कहा जाता है। इसमें तीसरा टाइप था पॉलीसैकेराइड। नाम से पता चल रहा होगा, पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारी, यानी कि हम कह नहीं सकते कि इसका निर्माण कितने मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से हुआ है, तो हम कह सकते हैं एन मोनोसैकेराइड, यानी इनका जल अपघटन होगा तो हमको कितने मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे, एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इनका निर्माण में कितने मोनोसैकेराइड्स लगे हैं, तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स, यानी इनका निर्माण बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से होता है, इनके जल अपघटन पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स हमको प्राप्त होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इनका निर्माण किससे होता है, इनका निर्माण अनेक मोनोसैकेराइड के अणुओं से होता है, यानी कि जब हम इनका जल अपघटन करेंगे तो हमें अनेक मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ, अनेक मोनोसैकेराइड से हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लें हम C6H12O6, ये मोनोसैकेराइड लिया है, क्या है C6H12O6, क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, इसके n अणु ले लिए हमने, कितने ले लिए, n अणु ले लिए, नहीं पता कितने होंगे, n मतलब 100 200 300 400 10 20 30, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, n ले लिए, इसमें से हम जल के अणु घटा देंगे, कितने, n-1 जल के अणु घटा देंगे तो हमको मिलेगा C6H10O5 का होल n, क्या मिलेगा, C6H10O5 का होल n, ये प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, क्या है ये, पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये, पॉलीसैकेराइड है, इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, स्टार्च, C6H10O5 स्टार्च, जिसमें क्या होते हैं, एन अणु होते हैं, किसके, ग्लूकोज के, ये क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना C6H12O6, इसके एन अणु होते हैं स्टार्च में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं
कि C6H10O5K whole N, यानी ये क्या है, स्टार्च। इसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करेंगे यानी H2O करेंगे, तो क्या कितने H2O लेंगे, N-1 घटाए थे तो जोड़ेंगे भी कितने, N-1, तो हमको क्या प्राप्त होगा, N C6H12O6, यानी कि इससे असंख्य, कहने का मतलब है कि असंख्य, कहने का क्या मतलब है कि असंख्य क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं, असंख्य। इसका अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने अब तक, अगला देखते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था, तीसरा प्रकार से हमने इसे किसे बांटा था, तीसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया था, अपचयन के आधार पर, तो कितने भागों में बांटा था, कितने प्रकार के होते हैं अपचयन के आधार पर, दो प्रकार के होते हैं, कौन से, पहले तो होते हैं अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके द्वारा फैलिंग विलयन, इसके अलावा टॉलिन अभिकर्मक, फैलिंग विलयन टॉलिन अभिकर्मक आदि का अपचयन हो जाता है, इनका शुगर कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी, इनका अपचयन नहीं होता बल्कि ये अपचयन करते हैं, किसका अपचयन करते हैं, फैलिंग विलयन टॉलिन रिएजेंट, इनका क्या करते हैं, ये अपचयन कर देते हैं, तो इन तो उस आधार पर इनको क्या कहा जाता है, अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे का रिडक्शन कर देते हों, खुद का तो ऑक्सीकरण होगा लेकिन दूसरे का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, तो जो रिडक्शन कर देते हों दूसरे का, फैलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक का रिडक्शन कर देते हों, इसमें कौन आते हैं, एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज, आप देख रहे होंगे ग्लूकोज बार 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 आ रहे हैं और हम भी बार बार पढ़ेंगे ग्लूकोज को, पूरा निचोड़ के रख देंगे ग्लूकोज को हम इस चैप्टर में। दूसरी होती है हमारी अनपचायक, यानी कि जैसा कि ऊपर दिया है, इनके इनके द्वारा अपचयन हो जाता है और इनके द्वारा अपचयन नहीं होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये होती है रिड्यूसिंग और ये होती है नॉन रिड्यूसिंग, अनपचायक, जिन जो रिड्यूस नहीं करती हैं, तो लिख देंगे वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके द्वारा फैलिंग विलयन व टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन नहीं होता है, अपचयन नहीं होता है, जैसे एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वही है, वही शुगर लौट लौट के आ रही हैं, बस इनको डिफाइंड यानी कि क्या कहते हैं, क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ कर लिए, बाकी शुगर तो सारी वही हैं। तो ये होती हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें शुगर भी कहते हैं, शर्कराएँ भी कहते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड्स,
इनको कई तरीके से बांटा गया है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर, नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी अपचयन के आधार पर बांटा गया है इनको, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन के आधार पर बांटा गया है इनको, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इनके स्वाद, विलेयता, गंध, रंग आदि के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगले जो लेक्चर होगा यहाँ पर हम इसको इतना ही ख़त्म करेंगे इंट्रोडक्शन पर। जो अगला लेक्चर होगा वहाँ हम कार्बोहाइड्रेट जो होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी रिएक्शंस देखेंगे, किस तरह की रिएक्शंस देते हैं, और इरीथ्रोज, थ्रियोज, ये क्या कौन कौन सी शुगर होती हैं। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसमें भी कई टाइप होते हैं। एक इरीथ्रो शुगर होती है, थ्रियो शुगर होती है, ठीक है, डी शुगर होती हैं, एल शुगर होती हैं, ये क्या होती हैं। जितने भी हमारी प्रकृति में शुगर प्राप्त होती हैं, यानी जो भी नेचुरली अकरिंग होते हैं, वो सभी डी फॉर्म में प्राप्त होते हैं। कौन से? डी फॉर्म में। स्टीरोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी ना सेकंड ईयर में, तो वहाँ आपको सेकंड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी स्टीरोकेमिस्ट्री, तो वहाँ को आप वहाँ आपको नोटेशन दिखाई सिखाई गई होंगी। एक होती है डी एल नोटेशन, एक होती है आर एस। तो जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री होती है उसमें हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो आर एस नहीं करते, आर एस नोटेशन नोमेनक्लेचर हम यूज़ नहीं करते। कौन सा यूज़ करते हैं? डी शुगर या एल शुगर। यहाँ पर जो भी शुगर होंगी या तो डी होंगी या तो फिर वो एल शुगर होंगी। और जितने भी प्राकृतिक रूप से शुगर्स प्राप्त होती हैं, शर्कराएं प्राप्त होती हैं, वो सभी किस फॉर्म में होती हैं? डी फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? डी फॉर्म में होती हैं। जो हम लैब के अंदर सिंथेसिस करते हैं वहाँ हम एल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन जो नेचर में मिलेंगी वो हमें डी फॉर्म में ही प्राप्त होंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में देखेंगे हम इनके रिएक्शन, शुगर कौन कौन सी हैं, एकीटो शुगर और एल्डो शुगर, उनके रिएक्शंस देखेंगे कि उनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से उनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।